अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूँ आमना और मेरे साथ है मेरी अम्मा इरम। ये है हमारा यूट्यूब चैनल लेट्स कुक विद आमना। आज हम बनाएंगे KFC ट्विस्टर। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम जी। जनाब बन रहे हैं KFC के ट्विस्टर, ठीक है, जो कि अचानक ही प्लान हो गया। ये देखिए, ये मैंने जो है ब्रेस्ट पीसेस लिए हैं, इनको फ्लैट भी कर लिया, बस मैं इनको थोड़ा छोटा कर रही हूँ कि स्ट्रिप्स भी बनाएंगे और ट्विस्टर भी, ठीक है। तब मैं पहले कटिंग कर लूँ। इसमें देखें कुछ भी नहीं डलेगा और ना मैंने इसमें फ़िलहाल दही के पानी में भिगाया है। इसमें सिर्फ जो है पिसी हुई लाल मिर्च है, नमक है, पेपरिका है, काली मिर्चें हैं, मैंने थोड़ी सी कलौंजी, सोया सॉस और हॉट सॉस, ये इस कटोरी में मिला कर रखा हुआ है। बस मैं ये जो है ना इनके इस पर कवर मतलब बिछा कर इसके ऊपर से रखाती हूँ। सिर्फ दिखाती हूँ आपको क्या होगा क्या इसके साथ। चलिए ये देख लें, भरपूर हाथों का इस्तेमाल, पूरी तरह नाखून कटे हुए होने चाहिए। ये देखिए, सब पे आप एक साथ, एक साइड पे पहले नमक छिड़क दें, सही है। इसी तरह इन सब चीज़ों की कोटिंग कर दें, काली मिर्च, पेपरिका, अच्छे से थोड़ा, क्योंकि ये ज़्यादा स्पाइसी बनेंगे तो इसका सॉस वगैरह आपको साथ साथ बताएंगे। ठीक है, ये देखिए मैं इस तरह से डालती जा रही हूँ। ये अभी सिर्फ एक साइड की कोटिंग है, ओके, अभी दूसरी साइड बाकी है। एक साइड से हो जाएगा, फिर इसको दूसरी साइड से करेंगे। सॉस देख लें, सॉस इसलिए कि इसको थोड़ा सा गीला करने के लिए, कि बहुत ज़्यादा ड्राई ड्राई ना हो जाए, सही है। ये देख लें, बस को मैं पलट रही हूँ कि ज़रा से स्पाइसी हो जाएंगे। देखिए एक साइड हो गया, अब मैं इसको टर्न कर रही हूँ। तो ये देखिए आप लोग, हमने इसको मैरिनेट कर दिया है। चलिए जी, ये इसका सॉस बना लेते हैं, क्या कहते हैं इसको, ट्विस्टर का। सिर्फ मैंने इसमें हाफ टी स्पून जो है वो सॉल्ट डाला है, हाफ टी स्पून से भी कम डाला है। और ये देखिए, ये हाफ टी स्पून मैं इसमें डाल रही हूँ काले मिर्च, कुटी हुई है अच्छे से, वो पिसी हुई नहीं है, ठीक है, काले मिर्च पाउडर फॉर्म में। और जो है वो ये मायोनीज है, मायोनीज में डाल दिया मैंने इसको। अब बस सिर्फ इसको मैं मिक्स करी, ये इसका सिर्फ एक ही सॉस बनेगा। कप मैदा लिया है, उसमें 2 टेबल स्पून भर कर जो मैंने कॉर्नफ्लावर डाला है, 1 टीस्पून भर के मैं इसके अंदर जो है वो बेकिंग पाउडर डाल रही हूँ, 1 टीस्पून जो है मैं इसमें सॉल्ट डाल रही हूँ, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर डाल रही हूँ, ठीक है, डाल दिया। अब ये बचा हुआ हाफ टी स्पून मैंने इसके अंदर लाल मिर्च पाउडर और 1 टीस्पून पेपरिका, बस अब इसको मिक्स करूँगी, घोलूँगी और फिर आपको दिखाते हैं, इसको फ्राई करके दिखाते हैं और ट्विस्टर बनाते हैं। हम लोग आपको बताना भूल गए, हमने अभी अभी एक अंडा भी डाला है, ठीक है। अब आप ये देखिए, इसके अंदर कॉर्नफ्लेक्स है, कॉर्नफ्लेक्स में सिर्फ मैंने थोड़ी काली मिर्च, नमक और थोड़ी सी पिसी हुई लाल मिर्च डाली है। आइसबर्ग कटिंग हो चुकी है, टमाटर मैं कटिंग कर रही हूँ, बस इसको फ्राई करते हैं, फटाफट रैप करते हैं। चलिए जी, ये टॉर्टिला है और ये 2 तरह के हैं, छोटे भी हैं, बड़े भी हैं। मेरे घर में 2 किस्म की आवाम पाई जाती है, तो ये 2 तरह के बनेंगे, छोटे बड़े। चलिए अब फटाफट ट्विस्टर की चिकन को फ्राई कर देते हैं। ये देखिए, ये रही चिकन मैंने इसके अंदर डाली, फिर निकाली, फिर इसको ऐसे झाड़ लीजिए। आपकी मर्ज़ी, आपको ड्राई फॉर्म में भी अगर रखना है तो आप कर सकते हैं, मैं नहीं रखती क्योंकि मैंने इसको इतने अच्छे से जो फ्लैट कर दिया है ना, तो बस ये भी उसमें बहुत अच्छा कोड हो जाएगा ये। और हाथ से इसलिए नहीं करी कि खामखा हाथ गंदे करने की क्या ज़रूरत है। अच्छा, इसका सबसे अच्छा तरीका है कि इसको करने के बाद थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दें तो अच्छा है, नहीं रखें तो मर्ज़ी है। और दूसरी चीज़ है कि ये बड़े बड़े ब्रेस्ट पीसेस थे, इसको मैंने फ्लैट करने के बाद काटा है, वो भी सिर्फ इसीलिए किया है क्योंकि बहुत बड़े बड़े ट्विस्टर में कम से कम मज़ा नहीं आता। चलिए जिसको ज़रा सा मैं सबको कोट कर लूँ, फिर फ्राई करते हैं। अच्छा, ये देखिए मैंने डालना शुरू कर दिए, ठीक है, अच्छे खासे कोट होकर बड़े बड़े हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अब मैं पहले फ्राई कर लूँ। ये देखते हैं, ये फ्राई हो रहा है, आप इसको हाथ लगाएं, ज़बरदस्त वाली इसकी आवाज़ है, ये देखिए कितना मज़े का है। बस ये सारा जो है ना फ्राई हो जाए, फिर स्टार्ट कर दें ट्विस्टर बनाना। अच्छा, ये देखिए मैंने जो सॉरी मैं आमना हर दफ़ा कहती रुक जा, मैं बोल देती हूँ, ठीक है जनाब, ठीक हो गया, सब कुछ ठीक हो गया है। ये मैंने रख दिया, ये ट्विस्टर है, ठीक है, अस्तगफुरुल्लाह। ये देखें, ये जो है ना, ये चिकन है, ठीक है, आप देख लें कितनी क्रंची है, ये देखें। बस इसको आप ऐसे ही रखें क्योंकि मैं एक तरफ से इसको बंद करूँगी। जनाब ये रहा आइसबर्ग, जो कि मेरे घर में भी थोड़ी देर में निकाल दिया जाएगा। ये रहे इसके टोमेटोज़, जो कि वो भी निकाल दिए जाएंगे।
लेकिन जाहिर सी बात है चीज़ बन रही है तो दिखाना भी ज़रूरी है। ये रहा इसका सॉस, ये वही सॉस जो आप लोग बड़े ही पैसे लगा के खा रहे होते हैं। सही है, ये हो गया। इसको मैं कर रही हूँ फोल्ड, पहले ऐसे फिर ऐसे और फिर हो गया ये ट्विस्टर बंद। अन करीब 2-3 दिनों के अंदर ही आपको दिखाएंगे हम मैकडॉनल्ड्स ब्रेकफास्ट। चलो जी, ये हो गया, ये बंद हो गया, इसे खुलना नहीं चाहिए और चोरी तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, मैं और बना देती हूँ और कम से कम तगड़े हो, खाते पीते घर के तो लगे हैं ट्विस्टर। तो ये रेडी है। आई होप आप लोग को मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब और बेल के आइकन को प्रेस करना नहीं भूलें। और ये मैं मुस्तकिल उंगली का इशारा कर रही हूँ और अब ये नीचे जाएगा दोबारा। ये रहा ट्विस्टर, सही है। ये रही इसकी जो है वो स्ट्रिप्स, जो कि स्ट्रिप्स हैं नहीं, ये उससे कई गुना ज़्यादा चौड़ी हैं। ये देखें और बड़ी मज़े की क्रंची, आप इसका क्रंच चेक कर सकते हैं। ये देखें, अब मैं इसको उससे मार तो नहीं सकती बहरहाल। चलिए अच्छे से देखना। तो अब आप लोग हमें इजाज़त दीजिए, आप लोग से अपनी नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।